हैकर मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया और ये सब आप लोगों ने देखा था 2 दिन पहले, किसने मुझे दीवार के आर पार मार दिया लिटरली, ये देखो। लेकिन अब जो सीन आपके भाई ने किया है ना भाई साहब, लिटरली आपको मजा आ जाएगा। इसी हैकर से आपके भाई ने लिया बदला। ये रहा हैकर का नाम ट्विंकल। इसकी आईडी जो है अपन सर्च करते तो इसने अब नाम चेंज कर लिया है, ट्विंकल से इसने नाम रख लिया है HIS क्वीन। अब ये जो नाम है ये याद रखना क्योंकि आगे ये नाम आपको काम ही आने वाला है, ठीक है। और तभी उसी मैच में हमारे साथ आ जाते हैं स्नैक्स भाई साहब हमारे लॉबी में। तो भाई आज का वीडियो ना पूरा देखना, लिटरली बहुत मसाले वाला वीडियो होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले वीडियो में। और आपने जो स्टार्टिंग में चीज़ें देखी वो सभी होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक तड़कता भड़कता ये जो गेम प्ले है ये वाला देख लीजिए, जो हमने पहले मैच खेला था। यहाँ पर देखना मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम होते होते मैं बच गया। रोड के ऊपर मुझे बॉट लेटा हुआ दिखा, मेरे पास M16 थी। अरे ये कौन सा बॉट है? कुछ ज़्यादा तगड़ा बॉट नहीं लगा आपको? तो यार ये बॉट था या नहीं था मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर ये बॉट नहीं ये रियल बंदा था तो ये रोड पर लेट के क्या कर रहा था भाई? हेलो भाई, तुम रोड पर लेट के क्या कर रहे थे? हेलो, तो यहाँ तक ठीक है, इसको मार दिया बड़े आराम से, बॉट ने बड़ी हेल्प करी। लेकिन तभी भाई मेरे पीछे ये गेंडा लग जाता है और देखो भाई इसने लिटरली मेरी 5 HP हेल्थ छोड़ी है। अगर ये फर्स्ट एड नहीं लगती और ये एक और मुक्का मारता तो भाई ये लिटरली मुझे नॉक फिनिश कर देता, क्योंकि मेरा टीममेट इतना ज़्यादा दूर था कि उसके आने से पहले गेंडा मेरे को खा जाता। लेकिन मैं इसको मार देता हूँ, आराम से लूट करता हूँ। और एज यूजुअल आपका भाई यहाँ पर रुकता है स्कैम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे टीममेट को बड़ा पसंद है। और तभी सामने से एक बग्गी आ जाती है, लेकिन जो एंगल मैंने सोचा था उस एंगल से वो नहीं आई। मैंने सोचा था कि फ्रंट से रुकेगी लेकिन वो बैक से चली गई और वो बंदा रुक गया 3 स्टोरी के अंदर। बंदा चाहता तो भाग सकता था बड़े आराम से, लेकिन भाई साहब को रुकना था, हमारे साथ फाइट लेनी थी। एक ग्रेनेड करता हूँ जिससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अब बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बाइक की साउंड सुनाई दी मुझे। सीधा घुसकर इसके टीममेट को मैंने नॉक कर दिया। अब बारी इस बंदे की, तो हमने सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। पहले हमने ग्रेनेड वगैरह ट्राई किया लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि यार अब जाके पुश करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर क्या ही किल मिला है बस देखो। ओ भाई साहब, लिटरली एक गोली लगी मेरी, एक गोली, और यहाँ पर मेरे टीममेट का किल मैंने चुरा लिया। गाड़ी लेकर के यहाँ से हम निकलते हैं दोनों की दोनों और चले जाते हैं जोन की तरफ। यहाँ पर अब मैं अकेला था इस बग्गी में, मेरा टीममेट कहीं और था मेरे से दूर। ड्रॉप दिखा, सोचा लूटेंगे, तभी दिखा कि एक डासिया अब मेरे पास आ रही है। डासिया के अंदर है 2 बंदे और वो दोनों की दोनों मेरे पीछे लग चुके हैं मेरे को मारने के लिए। अब चलती गाड़ी से मैं फायर भी नहीं कर सकता, और चलती गाड़ी से अगर सीट चेंज किया तो फिर तो पक्का मारूंगा। अब मैंने डिसाइड किया भाई अब इनको रुक के मारना पड़ेगा, फाइट लेनी पड़ेगी, कितनी देर तक भागता रहूंगा ना। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी फ़ाइट किसी और के साथ हो गई। थोड़ा सा डैमेज मैंने बंदे को दिया लेकिन अब अभी ये शैक वाले थे या फिर डासिया वाले थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मार जरूर दिया। अब ये वॉच टावर जो है हमें काफी ज्यादा सही मिल गया था क्योंकि यही से बहुत सारे किल मिले। इसको मैंने नॉक करके काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। तभी राइट से उसका टीममेट भागते हुए आता है और इसी वजह से भाई साहब जो है फिनिश हो जाता है, रिवाइव नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक हो गई कि जोन अब हमारे पास नहीं बना है, तो फिर हमने एक स्मोक की छोटी मोटी वॉल बनाई ताकि हम जोन में जा पाए। और क्या ही चिकन डिनर निकाला इस मैच में, बस देखते जाओ। मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि भाई देखो जोन इस फर्स्ट प्रायोरिटी, जोन में निकलो फटाक से, क्योंकि जोन में नहीं चले गए तो जोन में अपने से पहले कोई और चला गया, ऊपर वेट किया अपना तो अपने लग जाएंगे। राइट में एक बंदे को मैं डैमेज दिया और उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखे था, तभी लेफ्ट वाले पेड़ के पीछे भी एक बंदा था। घुमा फिरा कर लेफ्ट वाला मर गया, सामने वाले को मैंने मार दिया। अब जो राइट वाला बचा है भाई उसने कतई मतलब 10-15 स्मोक की वॉल ही बना दी, बस देखते जाओ कितनी बड़ी वॉल बनाया जा रहा है। क्या
दिमाग लगा कि इसने परफेक्ट वॉल बनाई है, स्मोक वॉल, और ये बहुत आगे तक वॉल बनाता है। एग्जैक्टली इसने जो है पेड़ कवर कर लिया, लेकिन आपके भाई ने दिमाग लगाया, पूरा गोल घूम के आया और मेरी पोजीशन उस बंदे को नहीं पता है। अब वो टीपी पी ले रहा होगा, ठीक है, तो मैं मेरे टीममेट को बोला कि उधर से फायर करो रैंडम, तो वो मेरे साइड से टीपी पी लेगा। अब वो टीपी पी लेने के लिए मेरे साइड जरूर आया होगा, लेकिन मुझे वो स्पॉट नहीं हुआ, बट स्टिल मुझे गारंटी जरूर थी कि वो इधर के साइड से लेटा होगा टीपी पी लेने के लिए, और यही चीज़ काम ही आती है, और इसको यहाँ पर मार देते हैं। और इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा प्लस हमको मिला, लेकिन अब देखना कि क्या होता है। अब ये वही मैच है जिस मैच में स्नैक्स आता है, और अच्छा यार मतलब ठीक है ना यार, चलता है ना कभी कभी, कुछ बंदों ने नोटिस नहीं किया होगा तो बता दूँ कि मैंने ही अपना नाम स्नैक्स रखा है। ओ भाई साले तू तो मैंने सोचा यार चलो कुछ मज़े लेते हैं बंदों के। तो जो चीज़ मैंने नोटिस की कि ऑल के ऊपर मुझे भी गालियाँ देते हैं और बाकी बंदों को भी, लाइक मैंने स्नैक्स नाम रखा है तो भाई इतना अच्छा बंदा उसको भी लोग लिटरली नहीं छोड़ते, उसको भी एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करते हैं, ये नहीं कि बस पॉजिटिव ही बोलेंगे, तो ये सबके साथ होता है, ये तो चीज़ पता चल गई। ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती, अकेले ने आके पुश किया और आने के बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे पास ग्रेनेड नहीं है। अब मुझे पता था कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, मैं मेरे टीममेट को बोल रहा हूँ भाई तुम चले जाओ रिकॉल टावर, चले जाओ सीधे अभी। यहाँ पर जो मेरा टीममेट रिकॉल टावर जाकर मुझे रिकॉल करता है, और यहाँ पर मुझे गन के नाम पर मिलती है वो जो ASM जो भी गन है, ये ASM बकर वकर जो भी इसका नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है भाई, नाम ही बड़ा अजीब है, यूज़ भी नहीं कोई करता इसको हैकर के अलावा, हैकर बड़ा यूज़ करता है इसको, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये गन मिली थी, और अब वो सीन होने वाला है जिसमें हमको मिलेगा वो हैकर। अब इस US वाले का नाम आपने नोटिस किया होगा, तो बस यही था, US के अंदर ही वो जो हैकर था HIS क्वीन वाला वो था। इसने यहां पर नॉक किया एक बंदा, उसको मैं फिनिश करता हूँ और एक फ्री का किल मुझे मिल जाता है, हैकर का मैं किल चुरा लेता हूँ, और अब देखना क्या होता है। मेरे टीममेट ने उस हैकर को नॉक किया जिसका नाम था HIS क्वीन। तो बस अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई पुश करना पड़ेगा, तो मेरा टीममेट मुझे कहता है कि भाई तुम रिकॉल टावर रुको, मैं अकेला जाके पुश करता हूँ क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक रिकॉल हो चुका है, तो मैं मर जाऊँगा तो रिकॉल हो जाऊँगा, तुम रिकॉल नहीं हो पाओगे। ये देखो HIS क्वीन अभी भी किल फीड में नाम आया था, इसने किसी बंदे को मिनी 14 से मारा है अभी, लेकिन अब वो बहुत गंदे तरीके से फंस गया है, उसके टीममेट को मैंने नॉक कर दिया, मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया, अब बचा है वो हैकर HIS क्वीन वाला, तो उसको देखो कैसे मारते हैं, बड़े गलत तरीके से मारा है, उसको फंसा कर मारा है हमने लिटरली। यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है, ना ही मुझे एंगल मिल रहा था, ना ही मेरे टीममेट को पता था कि वो कहाँ पर है, तभी मुझे वो दिखता है, बहुत गंदा डैमेज देता हूँ, लिटरली 1 HP बचा होगा। मेरे टीममेट को मार करके बताता हूँ कि ओपन भाग रहा है, मेरे टीममेट की एक गोली कनेक्ट होती है और वो HIS क्वीन नाम का जो हैकर है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो बदला है वो कंप्लीट होता है इस हैकर से। अब ये भाई साहब पता नहीं क्या सोचकर हमारे पास आए थे, और यहाँ पर गाइस मैंने अभी स्नैक्स का नाम रखा है XO स्नैक्स, नेक्स्ट टाइम किसका नाम रखना है मुझे कमेंट करके बताओ, और रैंडम का रिएक्शन भी अपन रिकॉर्ड करेंगे, वो सब वो वाला कंटेंट भी बनाएंगे, मज़ा आएगा। नहीं मतलब भाई इधर भंडारा भंडारा चल रहा था, जो ये गन वन पीछे रख के बिल्कुल ओपन भागे आ रहा है घर के पास, समझ नहीं आया कि मतलब क्या सोच के बंदा भाग रहा था, सामने गाड़ियाँ लगी दिख रही है, ओपन भागे आ रहा था, पता नहीं भाई ये बंदा करना क्या चाहता था। बाकी इसको यहाँ पर मार देते हैं और बग्गी उठाते हैं अपनी, और जोन के अंदर हमें यहाँ पर जाना था, और जोन हमारे पास तो बना नहीं था, बहुत गलत जगह बना था क्योंकि बीच में बंदे ही बंदे भरे पड़े थे, तो कैसे तैसे करके यहाँ पर आ जाते हम, और लेटे इसलिए थे क्योंकि ऊपर जो चर्च है वहाँ पर एक बंदा था, लेकिन वो बंदा नीचे कूद जाता है और उधर की साइड चला जाता है, और मेरी जो हेल्थ है वो 100% नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक पेन किलर लगा लेता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे कवर में, और तभी देखो क्या होता है।
बड़े ही गलत तरीके से स्प्रे आया। जोन में जा रहे थे मैं और मेरा टीममेट, और तभी इस बंदे को फिनिश करता हूँ और यहाँ पर अपने टीममेट को बचाता हूँ। और टीममेट को बचाते बचाते बहुत समय हो गया था, तो मैं मेरे टीममेट को बोला कि तुम जोन की तरफ भागो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर जाएंगे अपन गाड़ी में। तो मेरा टीममेट तब तक जोन की तरफ भाग रहा था, देखा तो गाड़ी के दोनों टायर फूटे। बग्गी में जाके बैठा भाई, बग्गी के भी दोनों टायर फूटे। लिटरली मैं क्यों किया इतनी बड़ी गलती, गाड़ी के पास क्यों भागा, मुझे जो है ओपन भागता। देखो मेरा टीममेट तो बच गया, मेरा टीममेट तो नॉक पड़ा था, उसको रिवाइव होके भी वो बच जाता है, और मैं तो भाई अच्छा खासा जिंदा बंदा था, फिर भी मैं गाड़ी लेने गया और मर गया यहाँ पर। देखो अभी कैसे गलत तरीके से मरता हो। पहली मैंने फर्स्ट एड लगाई जो कि लग गई थी, लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट एड नहीं लग पाई, और इस वजह से यहाँ पर अपन मर जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैकर से अपन ने बदला ले लिया, वही अपने लिए काफ़ी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी यार मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।